वेलकम टू माई शो टेस्ट ऑफ द ओशन और मैं आपका शेफ हूँ बासिमा आखुन। इस सीज़न के अंदर हम लोग आपको मुख्तलिफ रेसिपीज सिखाएंगे जो कि ऐसी रेसिपीज़ होंगी जो कि पहले कभी नहीं की गई होंगी। हम सी फूड से रिलेटेड सारी रेसिपीज़ करेंगे जिसमें फ़िश होगा, क्रैब्स होंगे, श्रिम्स होंगे और बाकी सब कुछ प्लेटर्स की तरह भी हम सर्व करेंगे। हर एपिसोड में डिफरेंट रेसिपी होगी और मज़े की बात पता क्या है, डिफरेंट क्विजींस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड की हम रेसिपीज़ करेंगे उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि इजीली बजट के अंदर आपके पास अवेलेबल होती है। टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और बेहतरीन चीज़ें आप मिनटों में बनाना सीख सकते हैं और मुख्तलिफ टिप्स मैं आपको देता जाऊँगा ताकि आप सीख सकें कि सी फूड को किस तरीके से बेहतर तरीके से आप रेडी और प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय शो टेस्ट ऑफ द ओशन और मैं आपका शेफ़ बासिम आखुन। आज का शो बड़ा ही मज़े का होने वाला है और इस शो में हम लोग आपको सिखाएंगे मुख्तलिफ सी फूड्स की रेसिपी। आज की रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हम लोग बहुत ज़्यादा देसी रेसिपीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, डिफरेंट क्विजींस की डिफरेंट रेसिपीज़ यूज़ करेंगे ताकि हम आपको उन्हीं लोकल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बड़े आसानी से सिखा सकें। हमारे साथ इस एपिसोड का और इस शो का जो साथी है वो है बेक पार्लर। जैसे कि आप लोग जानते हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेक पार्लर बना रहा है और ना कि सिर्फ हाउस होल्ड मगर कमर्शियल काम के अंदर भी बेक पार्लर का बोलबाला है। आज के जो प्रोडक्ट्स हम बेक पार्लर के यूज़ करेंगे वो विनेगर है और रेड चिली सॉस है और कब और कहाँ यूज़ होगा मैं आपको बताऊँगा। आज की रेसिपी का नाम है रेड स्नैपर इन पेस्टो सॉस। अब आप सोच रहे हैं रेड स्नैपर और पेस्टो सॉस क्या है। पेस्टो सॉस बेसिकली एक सॉस होता है जो एक इटालियन क्विजीन का हिस्सा है। रेड स्नैपर हमारे समुंदर पाकिस्तान का जो समुंदर है उसमें बहुत ही आराम से मिलती है। पाकिस्तान फेवरेट फ़िश हर रेस्टोरेंट के अंदर आप देखते होंगे रेड स्नैपर इस चीज़ के साथ बनती है, उस चीज़ के साथ बनती है, मगर कैसे बनती है मैं आपको बताऊँगा। आज हम लोगों ने जो रेसिपी करनी है उसके साथ हम सर्व करेंगे मैश पोटेटोज़, मगर मेरा स्टाइल मैश पोटेटोज़ को बनाने का बहुत मुख्तलिफ है। मैं बोरिंग रेसिपीज़ नहीं शौक से करता, आई लाइक मेकिंग इट अ लिटिल डिफरेंट फॉर यू गाइज। सो जो पेस्टो सॉस है उसके अंदर जाएगा हमारा पिस्टाशू, ठीक है, देन वील ऐड काजू इन इट एंड देन पीनट्स। पीनट्स के बाद हमने सॉल्ट ऐड करना है उसके अंदर, गार्लिक हम फ्राई करके ऐड करेंगे और इस चीज़ का जो बेसिकली मैश्ड पेस्ट होगा वो हमारी फ़िश पे जाएगा। अच्छा, फ़िश को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। फ़िश को कैसे प्रिपेयर करना है, यू नीड टू कीप द फिश ओवर हियर। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, वील टेक अ नाइफ। अब आप ये देखें, साथ साथ बताऊँगा, ये नाइफ़ आप देख रहे हैं बेंड हो रही है। ये नाइफ़ बेसिकली इज़ अ फिश नाइफ़ विच इज़ यूज फॉर फिलेटिंग, मतलब इसके हम फिले निकाल सकते हैं, बोनलेस कर सकते हैं या आराम से काट सकते हैं। ये नाइफ़ बहुत पतली होती है कम्पेयर टू द अदर शेफ़ नाइफ और द पेयरिंग नाइफ, ठीक है। सो वॉट डू वी नीड टू डू नाउ, वी जस्ट नीड टू शार्प द नाइफ अ लिटिल बिट। शार्प करने के बाद हम इसका जो शार्पनर है साइड पर रखेंगे और आपने फ़िश को उल्टा कर लेना है। इसकी जो बैक है वो आपके पास आनी चाहिए। यू हैव टू मेक वन कट, टू कट एंड थ्री कट से। इसका मैरिनेट लगा के कम आधा घंटा छोड़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट बेसिकली कुकिंग इट। इफ़ यू हैव टाइम एट होम, अगर आपके पास काफ़ी वक्त है तो कम से कम 3 घंटे इसके ऊपर आप ये पेस्टो सॉस लगा के फ्रिज में छोड़ दीजिएगा। बहुत मज़े का बनेगा, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आपने एक काम करना है, आपने अपनी ग्रिल को गर्म कर लेना है। जो कोयले हैं वो पाइपिंग हॉट होने चाहिए, लाल सुर्ख, जहाँ आपने काले कोयले डाले, ब्लैक कोल डाल दिया जो कि सही से गर्म नहीं होता, प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम एक ही हो सकती है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो फ़िश है या अगर आप कभी और कोई मीट पकाते हैं, बीफ पकाते हैं बारबेक्यू पे या चिकन बनाते हैं, उसके अंदर एक स्मेल चली आती है, स्मेल हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले आपने करना है कि आपने इसका एक पेस्टो सॉस बनाना है। पेस्टो सॉस के लिए क्या चाहिए, यू नीड रियली हाई क्वालिटी एंड फ्रेश पिस्टैशूज। पिस्टैशूज हम सबसे पहले ऐड करेंगे इधर। पिस्टैशूज के बाद हमने करना कि हमने इसमें डालने हैं पीनट्स। प्लीज़ आपने सॉल्टेड पीनट्स नहीं लेने, टेक द नॉर्मल पीनट्स, रिमेंबर दैट। देन वील ऐड सम कैशूज इन इट। सो पिस्टैशूज, कैशूज एंड पीनट्स विल गो इन दिस। देन वॉट वील डू इज़ वील बेसिकली टेक अ फ्राइंग पैन, सॉरी फ्राइंग पैन थोड़ा मेरा बड़ा है मगर इसको हमने यूटिलाइज़ करना है, हम इसको कोयले पे रखेंगे। साथ साथ आपने करना क्या है, आपने इसके अंदर 3 क्लोव्स गार्लिक के ले लेने हैं, ठीक है। इसको मैं ऐड करूँगा पैन के अंदर और मैं इनको थोड़ी देर के लिए थोड़े से ऑयल में इस तरह टेढ़ा करके रख दूँगा और मैं इसको करूँगा फ्राई, ठीक है। उससे क्या होगा कि गार्लिक हो जाएगा बिल्कुल सॉफ्ट
और फिर हम उसको इसके अंदर मैश करेंगे. सो आई कीप द ऑयल ऑन द साइड एंड विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले फिश के लिए एक चीज़ तैयार करनी है. हम अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेंगे विनेगर. विनेगर हमने लेना है बेक पार का. बेक पार का विनेगर इज़ नॉट जस्ट फॉर चाइनीज़ फूड. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट चाइनीज़ फूड के लिए सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तानी फूड के लिए भी इस्तेमाल होता है, इटालियन में. क्योंकि सिरके का मतलब क्या है, सिरका इज़ बेसिकली मैरिनेशन. मैरिनेशन मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हो सकती है. सबसे पहले मैं बेक पार का सिरका लूँगा और इसमें डालूँगा तकरीबन हाफ कप ऑफ बेक पार विनेगर. आफ्टर दैट वील एड हाफ कप ऑफ वाटर. अब आप ये सोच रहे होंगे पानी भी डाल रहा है, सिरका भी डाल रहा है, करेगा क्या ये? मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं मछली को नहलाऊँगा. यस यू हर्ड इट राइट, वील बेथ द फिश. अब इससे होता है कि वन यू स्टार्ट बेथिंग द फिश विद विनेगर एंड यू यूज़ वाटर मिक्सचर करते हैं तो इसकी एक कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है. क्योंकि मैरिनेशन इज़ ऑल्सो कुकिंग. यू नो सवीचे, सवीचे इज़ अ पेरुवियन डिश जस्ट लाइक सुशी. सुशी इज़ रॉ फिश. मगर रॉ का ये मतलब नहीं कि कच्ची मछली. मछली इतनी फ्रेश होती है कि आप उसको निकाल के खा सकते हैं, मगर आप उसको क्योर करते हैं. उनके क्योरिंग मेथड्स फ़र्क हैं. तो सबसे पहले इसका बाथ मैंने इसको देना है. फिश को मैंने विनेगर के साथ वॉश किया था. अब करना क्या है, फ्रेश वाटर के साथ आप वो सिरका उतारेंगे इसके ऊपर से. कोशिश करके अंदर से भी प्रॉपरली इसको निकालें. एंड वे डन, फिश धुल गई है जैसे कि आप देख सकते हैं. थोड़ा बात भी कर रही है हमारे साथ. आई एम सॉरी, बात नहीं कर सकती. वापस हम इसको यहाँ रखेंगे. इसको हमने आउट कर देना है, इसको यूज़ नहीं करना. अब हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड की, उसको आप पीसना शुरू कर दें. टाइम लगेगा. अगर आपके पास घर में ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. जिसको हम लोग फूड प्रोसेसर भी कहते हैं. ये हो जाएगा. साथ में हमने करना क्या, हमने थोड़ा सा धनिया लेना है. ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी जो बीच में बो होती है वो काट दूंगा, जिससे ये पकड़ा हुआ होता है. इन्हें जो निकाला आपने, ठीक है, साइड पे किया. टेक दिस आउट, खाने में मत डालिएगा वरना आप बोलेंगे रस्सी क्यों चबा रहा हूँ मैं. ठीक है ना, आधा धनिया लेना है आपने. अंदाजे से चलेंगे, अंदाजे से खाना बहुत अच्छा बनता है. इसको यहाँ रखेंगे, इसको हम टर्न करेंगे. अच्छा, रूट्स आपने इस्तेमाल करनी है. वाई? बिकॉज द फ्लेवर इज़ बेसिकली इन द रूट्स, दैट्स वेयर यू गेट द फ्लेवर फ्रॉम. इसको थोड़ा सा चॉप करके इसको आपने लाइफ को क्लीन करना है. आपने इसको यहाँ इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है. ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ी सी हवा चल रही है तो आपने कोशिश करके जितना रख सकते हैं संभाल के रखें. साथ साथ बेक पार का विनेगर ले लेंगे आप और इसके अंदर आप ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून. फ़िश की मैरिनेशन में बेक पार का जब आप विनेगर ऐड करते हैं एक बड़ा ही एक अच्छा टेक्स्चर आता है और मीट टेंडर और जूसी हो जाता है. साथ हम सॉल्ट ऐड करेंगे तकरीबन 2 पिंचेस. 2 पिंचेस का मतलब है तकरीबन हाफ टीस्पून. वाई? बिकॉज हमारी फ़िश का जो वेट है वो है 1 to 1.5 kgs. ठीक है, जब तक मैं इसको पीसता हूँ जिसमें टाइम लगेगा, आप जाएँ शॉर्ट ब्रेक पे. वंस वी बैक फ्रॉम द ब्रेक वी लेट यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग टेस्ट ऑफ द ओशन और मैं हूँ वासिम आखुंद. अच्छा, सिंपल सा काम है. हमने इसको वॉश करके रखा था विनेगर में बेक पार के साथ साथ पेस्टो सॉस को पीट पीट के आखिर पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया. अच्छा, अगर आपके पास घर में बारबेक्यू ग्रिल नहीं है, एक बड़े फ्राइंग पैन में फ्राई भी कर सकते हैं, मगर वो वाला फ्लेवर आपको नहीं आएगा. अब हमने करना क्या, अब हमने लेने हैं 2 गार्लिक क्लोव्स. जैसे कि आप देखते हैं हम इसको स्मैश नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइस करेंगे. सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग इसको स्लाइस क्यों कर रहे हैं. The reason behind it is that हमने इसको फ़िश के अंदर ऐड करना है. अब आप ये भी सोच रहे हैं कि फ़िश के अंदर कैसे ऐड करेगा, मैं आपको बताऊँगा. सबसे पहले आप सॉल्ट लेंगे. सॉल्ट से आप इसको अच्छे तरीके से रब करेंगे. ठीक है, नमक ज़्यादा नहीं होगा, पूछे क्यों, क्योंकि जब ये पकेगी इसका अपना पानी निकलेगा, फ़िश खुद ब खुद सेट हो जाएगी. दूसरी बात यह कि पानी करता क्या, पानी मछली का जो अंदर वाटर होता है, वाटर रिटेंशन होती है, वो चूस के बाहर निकालता है. इसकी कैविटी बेसिकली इसका स्टमक खोलेंगे, अंदर स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से आप, एंड द फिश इज़ बेसिकली रेडी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द गार्लिक. कट मारे थे ना, ज़िंदगी में हर काम किसी वजह से किया जाता है. कट के अंदर आप गार्लिक को प्लेस करें. प्लेस कर दिया इस तरह आपने. अब इससे होगा क्या कि जब फ़िश पकेगी, गार्लिक गर्म होगा, उसका ऑयल इसके मीट में जाएगा और स्वाद आएगा. ठीक हो गया, ऐड कर दिया आपने इसके अंदर. नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली डन. नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू,
You have to pick up the pesto sauce and start smothering it. Smothering मतलब rub करें, मतलब इसको अच्छे से coat करें, ठीक है? अब क्योंकि मेरे पास time नहीं है, मैं इसको आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ूंगा और उसके बाद हम इसको cook करना शुरू करेंगे. Now when this is done, now what I'll do is I'll leave this for half an hour. जब तक ये आधे घंटे के लिए मैंने साइड पे रखा, I'll wash my hands and I'll tell you how to make the second recipe, जो कि basically इसके साथ pair होगी. Pairing क्यों करते हैं हम? Because fine dining के अंदर चीज़ अकेले serve नहीं होती, साइड पे एक filler भी होता है. अच्छा, अब हमने करना क्या, हमने इसके अंदर ऐड करना है एक सेकेंड डिश बेसिकली, जो कि साथ एक ही प्लेट पे आएगी. वी मेकिंग अ मैश पोटैटो विथ बासिम्स स्टाइल, ठीक है जी. सबसे पहले आपने करना कि आपने ग्रिल को यहाँ पुल कर लेना है. ग्रिल को हम क्यों पुल करें, बिकॉज हम इसी कोयले के ऊपर सबसे पहले इसको हम आगे लेके आएंगे. मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पूरे का पूरा जो फ्राइंग पैन है हैंडल को जला नहीं सकता. तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ इसकी एक बेस क्रिएट करूँगा. मैंने बेस क्रिएट की, बेस से क्या होगा कि फ्राइंग पैन गिरेगा नहीं, ठीक है. बेस के बाद मैंने करना क्या, मैंने ये फ्राइंग पैन लेना, जैसे आप कुक करते हैं घर में वैसे ही आप कुक करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैश पोटैटो लेंगे और हमने उसको मैश करना है. ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने मैश करके रखा हुआ है, एक चीज़ मैंने पहले कर ली, तो हमने टाइम हमेशा सेव करना है. सबसे पहले गार्लिक मेरे पास ये पड़े, दो पीसेस गार्लिक के लूँगा और जिस ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे उस ऑयल को आप सेव कर लेंगे. ज़्यादा ऑयल नहीं रखना मैंने, जस्ट अराउंड 2 टेबल स्पून ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे. ये फ्राई होने में तकरीबन लेगा अराउंड लेट्स से 2 to 3 मिनट्स, ठीक है. गार्लिक जब मैंने फ्राई कर लिया तो उसको मैंने मैश करना शुरू किया. आप देख सकते हैं कि गार्लिक मैश हो गया, ठीक है. रफ मैश रखेंगे. ऑयल मैंने उसका जो है सेव किया हुआ था, जैसे कि आप वहाँ देख रहे हैं उसमें पड़ा हुआ है. अब हमने करना क्या, हमने इसमें ऐड करना है बटर. बटर हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे एंड लेट द बटर मेल्ट. दैट्स वेयर द फ्लेवर कम्स फ्रॉम, फ्लेवर. और गेम ही ज़िंदगी में सारी जायके की है, ठीक है. इसमें मैंने वो गार्लिक ऐड कर दिया. इस बटर और ऑयल के मिक्सचर के अंदर जो गार्लिक जाएगा ना, वो ज़िंदगी में एक आपको स्वाद लेके आएगा, ठीक है. इसको हम शिफ्ट करेंगे और गार्लिक को हम इसको थोड़ा सा मिक्स करना शुरू करेंगे, ठीक है. ये कर लिया, साथ साथ आप इस ग्रिल को साइड पे कर लें ताकि आपकी वर्क स्पेस कॉम्प्रोमाइज ना हो. नाउ व्हाट डू वी नीड, वी बेसिकली नाउ नीड टू ऐड अ फ्यू थिंग्स इन दिस. वी नीड टू फर्स्टली ऐड सम मिल्क टू इट, ठीक है. आई ऐड द मिल्क. सबसे पहले इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ. मैंने मिल्क ऐड किया, मैंने आधा ऐड किया, आधा छोड़ दिया. इसको यहाँ रखेंगे और अब हम इसको करेंगे क्या, इसके जो मैश पोटैटो है इस मैश पोटैटो को ऐड करेंगे. आई हैव अ फोक ओवर हियर, I'll just transfer the mash over here. हम जो mash बना रहे हैं वो सख्त ठोस mash नहीं बना रहे. हमारा mash जो होगा थोड़ा सा liquidy होगा, थोड़ा सा runny होगा. उससे होगा क्या, आपको एक taste भी आएगा, texture भी आएगा और smoothness आएगी जो आपको एक fine dining में आती है. काम वही करना है जिसमें fine dining का एक जायका है, एक मज़ा है. अच्छा, सबसे पहले मैं करूँगा क्या, मैंने एक whisk लेना है. whisk के साथ मैं इसको हल्का हल्का करके मिल्क के अंदर प्रेस करना शुरू करूंगा. उससे होगा क्या कि जो मैश पोटैटो अभी सॉलिड हुआ है, अपनी जगह पे आया हुआ है, वो अपनी जगह छोड़ना शुरू करेगा. जैसे ही वो अपनी जगह छोड़ेगा फिर हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे. तो मैंने इसको हल्का सा इस तरह ट्रांसफ़र किया है, ठीक है. एंड आई लेट इट कुक फॉर अ बिट. ट्राई ब्रिंगिंग द लिक्विड इन द सेंटर ऑफ द फ्राइंग पैन, ठीक है. कीप इट ओवर हियर, लेट द लिक्विड स्टार्ट कुकिंग द लवली डिलिशियस मैश ओवर हियर. अच्छा, साथ साथ मैंने करना क्या है, हम हैं पाकिस्तानी, ठीक है. एक लेंगे रेड चिली इसी खुशी के अंदर. जायका हमें पसंद है, मिर्चें पसंद है, तो मैं इसको फाइनली चॉप करूँगा. पाकिस्तान में, कराची में हमारे बीचेस बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम हॉक्स पे आए हुए हैं. यहाँ का जो वाटर टेम्परेचर है कम्पेयर टू दी अदर बीचेज़ इन द वर्ल्ड, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. हमारा पानी हल्का सा वार्म होता है और ठंडे मौसम में आप देख रहे हैं अपर पैन है, जब गर्म पानी में बंदा जाता है तो बहुत ही ज़िंदगी में मज़ा आता है, ठीक है. चलें, बातें बहुत कर ली, बॉयल पे आ रहा है. मैंने रेड चिलीज़ को इसके अंदर सिर्फ मिक्स करना है. साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक और चीज़, वील ऐड द बेक पाउडर.
चिली सॉस, ठीक है, जस्ट अ लिटिल बिट टू गिव इट अ वेरी नाइस टेस्ट, बट कलर के लिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि बेक पावर की इंग्रेडिएंट्स इतनी प्रॉपर, इतनी इफ़िशेंट होती हैं कि कम के अंदर ही आपको ज़्यादा का मज़ा आ जाता है. तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इतना ऐड करें कि आपकी ज़बान पे तीखा लगना शुरू हो. यू नीड फ्लेवर, यू नीड टेक्सचर, यू डू नॉट नीड कलर इन लाइफ इन फूड. रिमेनिंग मिल्क गोज इन, कीप इट ऑन द साइड एंड नाउ लेट इट कुक. अब जब तक ये कुक हो रहा है, मैं इसको हल्की आँख पे या साइड पे छोड़ देता हूँ. हम चलते हैं फिश की तरफ. ठीक है, सही से मैंने इसको अब मिक्स कर लिया. नाउ दिस इज़ डन. साथ साथ मैं एक चिमटा लूँगा, मैं ग्रिल को इसकी जगह पे करूँगा. ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने इस ग्रिल के अंदर ऐड करनी है फ़िश. सबसे बड़ी गलती जो ज़िंदगी में लोग करते हैं, वो करते हैं ग्रिलिंग में. ग्रिलिंग में कैसे गलती होती है? ग्रिलिंग में गलती इस तरह होती है कि लोग फ़िश को ग्रिल पे डायरेक्ट डाल देते हैं, फिर कहते हैं यार पता है हुआ क्या है, फ़िश टूट रही है. यार फ़िश टूटेगी, यू नो वाई? बिकॉज यू हैव नॉट ऑयल्ड इट प्रॉपरली. सो आई ओपन द ग्रिल ओवर हियर, आई टेक अ नाइस rubber coating brush, I'll add oil. First what I'll do is I'll start oiling the grill over here. You must oil the grill. If you oil the grill, then only the food will not stick. मतलब खाना आपका चिपकेगा नहीं अगर तेल लगा के रखेंगे. ठीक है, हल्का हल्का लगाएं, ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रहा, but I know what I'm doing and it's basically giving me a nice color. Now add some oil on the fish. Be generous. दिल खोल के तेल लगाएं, इस तेल ने वैसे ही कोयले पे गिर जाना है, तो इससे जो है आपको घबराना नहीं है. ठीक है, इसको घुमाएं, इसको यहाँ रखें. ठीक है, फिश हमारी जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, हम रेड स्नैपर यूज़ कर रहे हैं. अगर आप चाहें तो आप सोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पॉम्फ्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गिजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मैकरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उर्दू में इसको धोतर, इसको कहते हैं हीरा, और दूसरी मछलियों जिनका मैं नाम लिया है उसको कहते हैं डमरा, फिर हम उसको यहाँ तक के रहू का नाम देते हैं. ठीक है, मैश हमारा रेडी हो गया. मैं ग्रिल के इस कोने में रखूँगा जहाँ बेसिकली बिल्कुल भी हीट नहीं आ रही, मगर हल्का सा कोसा कोसा गर्म हो रहा है ताकि मेरा खाना ठंडा ना हो जाए. इसको आप यहाँ प्लेस करेंगे एंड नाउ यू हैव टू नॉट क्लोज इट. वाई? बिकॉज द फिश इज़ वेरी थिक. सिर्फ थोड़ा दबाएंगे ताकि फिश अपनी जगह पे आ जाए. मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि जब मैं इसको यहाँ रखूँगा, इट्स गोइंग टू बी ईजियर फॉर मी टू कुक एंड टू फ्लिप. लवली पीपल, ठीक है, चलिए इसको जब तक मैं कुक करता हूँ, कम से कम इसको लगेंगे 12 मिनट एक साइड पे और दूसरी साइड पे 8 मिनट. अब आप सोच रहे हैं ज़िंदगी में इतना अलग अलग टाइम क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि जब एक तरफ 12 मिनट गर्मी मिल रही है उसको, तो आपको क्या लगता है दूसरी साइड पे हीट नहीं गई, हीट चली गई है, हाफ वहाँ से कुक हो गई, इससे टर्न करके 8 मिनट कुक करेंगे फिर आपको दिखाएंगे. अब हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे एंड वंस वी आर बैक आई विल शो यू द फाइनल प्रोडक्ट, आखिरी प्रोडक्ट दिखाऊंगा और आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा. वेलकम बैक. अब हम इसको डिश आउट करें. मैंने सिर्फ सिंपली किया क्या है, मैंने जो मैश पोटेटो साइड पे सर्व किया, साथ साथ बेस पे. अब आप सोच रहे होंगे यार ये बेस पे मैश पोटेटो क्यों सर्व कर रहा है? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, उसकी वजूहत ये है कि जो मैं फ़िश इस पर रखूँगा वो जब रेस्ट होगी तो अपना जूस निकालेगी. उसका जूस जब इसमें नेचुरली स्प्रेड आउट होगा तो जो फ्लेवर आएगा ना, कहते हैं लाहौर में चस आ गई, तो चस आएगी आपको. ठीक है,
चलें जी, अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ हल्का हल्का यहाँ से कट मारने, इधर आके आप ज़रा देखेंगे इसको तो आपको समझ आएगी जो फ़िश की स्किन है वो हल्की सी चिपक रही है। इसको मैं एक छोटी सी पेरिंग नाइफ के साथ इस तरह काटना शुरू करूँगा। And as you can see, my lovely darling over here is cooked. Skin भी वहीं रही, क्यों? क्योंकि हमने बड़े प्यार से इसको नाइफ के साथ निकाला, ऑयल किया था, स्किन नहीं चिपकी। अब आपने करना यही है, अब इसमें कि चिपकना नहीं है, ठीक है? हारमोनियम की तरह इसको मैंने घुमा के चेक किया, वापस इसको मैंने उठाया और यही चीज़ मैं यहाँ रिपीट करूँगा। Voila, the fish is ready and now I will dish it out. Slowly and gradually मैं इसको यहाँ रखूँगा। I will remove everything from here. हर चीज़ मैंने यहाँ से हटा लेनी है। चॉपिंग बोर्ड आपका साफ होना चाहिए, उस पर यह यहाँ आ जाएगी और इस तरीके से मैं इसको खोल के अब इसको ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र करने के लिए विल जस्ट सी इफ़ द फिश इज़ नॉट ब्रेकिंग। इट्स नॉट ब्रेकिंग, चेक करना है ना कि पक गई है कि नहीं पकी। नाइफ लें और जो बेसिकली फ़िश है ना उसको आपने पकड़ना है सेंटर सेंटर। ये वजह क्या है, ये पार्ट जो होता है फ़िश का वो बेसिकली सबसे ज़्यादा मोटा होता है। इसमें हम नाइफ़ डालेंगे, अगर पिघले में मक्खन की तरह अंदर घुस गई छुरी तो मछली का गोश्त तैयार है, ठीक है? मैं इसको बड़े आराम से उठाऊँगा और मैं इसको अपनी नाइफ़ पर रखूँगा। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? ट्रांसफ़र करके विल जस्ट रेस्ट माय डार्लिंग ओवर हियर। सो फिश आपकी रेडी है। सबसे पहले मैं इसकी स्किन उतारूंगा इस साइड से और हम देखेंगे फ़िश कितनी टेंडर और जूसी है। इट इज़ अमेजिंग, आई कॉन्ट बिगिन टू एक्सप्लेन कि कितना इसमें फ्लेवर और कितना जायका आ रहा है। पेस्टो सॉस का अच्छा सा आपको एक धनिए का और साथ साथ उसके ड्राई फ्रूट्स का एक टेस्ट आ रहा है। साथ साथ आपने करना क्या, थोड़ा सा आपने मैश लेना है, इन्जॉय करना है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी एंजॉय द व्यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।